जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है SSGD की तब तक क्या करें। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर SSGD की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, हम करें क्या, हम अपने आप ही डिमोटिव हो रहे हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, कोई भी भर्ती नहीं दिख रही है तब तक पढ़ने का दिल नहीं, देश में जो माहौल चल रहा है उससे हम काफ़ी इफेक्टेड हो रहे हैं और पढ़ने का दिल भी बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो हमको क्लियर हो जाएगा कितने पदों की वैकेंसी है और कब इसकी एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद उसको जानकर आपको बहुत सारा अच्छा लगे या आपकी तैयारी में कुछ सुधार आए। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि SSGD की जो वैकेंसी है या RPF कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है, ये दोनों की दोनों वैकेंसियाँ होनी है 100%। अब कोरोना काल की वजह से आप सभी को पता है देश में कोरोना काल चल रहा है या लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की स्थिति परमानेंट रहने वाली नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, एक महीना मान लीजिए मैक्सिमम, 15 दिन 20 दिन के बाद में लॉकडाउन हट जाना है, धीरे धीरे रियायतें दी जाएगी और निरंतर वापस से वो सारे काम होने लग जाएंगे जो अभी पेंडिंग में, ठीक है। दूसरी बात, वैकेंसी 60,000 प्लस पदों की रहेगी, चाहे नोटिफिकेशन किसी भी दिन आए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप रख सकते हो वीडियो को रिकॉर्ड करके, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी आपकी 60,000 प्लस पदों की रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नोटिफिकेशन तो ये मान लीजिए इस बात में तो आप 100% मान लीजिए कि आपकी 60,000 प्लस पदों की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, अभी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि अभी आपको नहीं देखने को मिली, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक क्या करें। दोस्तों SSGD बहुत कम होता है कि उसमें कुछ रूल बदलते हैं, तो आपको पिछली SSGD 2018 की जो नोटिफिकेशन है उससे सीख लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन में कुछ नया नहीं आने वाला एज क्राइटेरिया के अलावा, यानी एज का जो क्राइटेरिया उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी वजह से कुछ नया पुराना हो सकता है कि भाई एज में इस बार छूट दी गई है या नहीं दी गई है या एज का क्राइटेरिया ये है वो। लेकिन जो बच्चे 18 साल के हैं, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल या 22 या 23 साल के, OBC वाले 25-26 साल के हैं या SC ST वाले 28 साल तक है, तो उन बच्चों को तो डरने की जरूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ तैयारी करनी है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती बेटा तब तक आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैथ और रीजनिंग की आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती। दूसरा काम, आपको नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती तब तक ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है, ठीक है, आपको किस पार्ट पे फोकस करना है और अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। अभी से आप फोकस करिए क्योंकि लॉकडाउन में आपको बाहर जाने का मौका वैसे ही नहीं मिल रहा, तो अपनी जो सहन क्षमता है या जो तन्मयता है या निरंतरता उसको बनाने की कोशिश करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना है, इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पढ़ने की प्रति आपकी इच्छा बनाने में या निरंतरता बनाने में। तो अभी आपको इस समय को यूटिलाइज करना है, अपनी पढ़ाई सेलेक्ट टॉपिक करने हैं, जो जो टॉपिक आपको नहीं आती, मान ली किसी बच्चे की GK कमज़ोर है, किसी की मैथ कमज़ोर है, किसी की रीजनिंग कमज़ोर है, तो बेटा वो ये समय है जिसमें आप उस सब्जेक्ट को सुधार सकते हो, आपको ज़्यादातर उसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो आपको सबसे कम आता है। ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आप ये काम कर सकते हो, पहला काम कि आपको उस विषय को सुधारने का मौका। दूसरा, मैथ और रीजनिंग, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और हिंदी ये पढ़ सकते हो, आप सभी को पता है SSGD के सिलेबस में GK का पार्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और कोई नहीं होगा, 10th क्लास पास की जो आपकी मैथ होगी वही होगी मैथ और रीजनिंग, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो निरंतरता बनाइए, सबसे पहले कमज़ोर सब्जेक्ट को फोकस करिए अभी के समय में, दूसरा निरंतरता बनाइए, पढ़ने की बैठे रहने की कैपेसिटी आपकी बढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बैठे रह सको, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ सको। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज, जब तक आपको लॉकडाउन में बाहर जाने का नहीं मौका मिलता है, सुबह शाम फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहे। अगर आपके शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी तो आपको कुछ भी काम करने में ईजी रहेगा और मेहनत करने में दिल से सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ाई करना भी अच्छा लगेगा। तो ये काम आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक इन चीज़ों पर फोकस करना है, बाकी ये नहीं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती आप अपना टाइम वेस्ट करें। दोस्तों जो भी बच्चे पहले तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, नोटिफिकेशन के इंतजार के चक्कर में आप सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरेंगे और फिर तैयारी करेंगे, तो फिर बेटा नौकरी नहीं लग पाओगे, फिर तैयारी करोगे और फिर आगे जाके अगली भर्ती में भी तैयारी करोगे और उसे अगली भर्ती में भी तैयारी करोगे। अगर नौकरी लगना है, फौजी बनना है, आपका सपना है फौजी बनने का या नौकरी लगने का, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, अपने घर की स्थिति को बदलना चाहते हो या अपने परिवार की, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो या किसी खुद ही बच्चे का सपना है कोबरा कमांडो बनना या NSG कमांडो बनना या फौजी बनने का, तो बेटा उसको अभी से तैयार करना पड़ेगा, आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद से। नोटिफिकेशन जरूर नहीं कि 3 महीने पहले दे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, 2 महीने पहले देखे भी 2 महीने में एग्जाम कराया जा सकता है।